वैदिक मैथ पार्ट 17 टॉपिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में हमको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहे हैं, इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, फिर उनका हमको सम फाइंड करना है। फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। वैदिक गणित के रचयिता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का यह अर्थ बताया। ऊर्ध्व का होना सीधा, पहले तो हम सीधी यानी कि वर्टिकल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की फिर ऐड कर देंगे। तिर्यक, तिर्यक का होना तिरछा, फिर हम इन दोनों की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक का होना तिरछा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन सबको ऐड कर देंगे। ये सेकेंड स्टेप में हमको करना है। और लास्ट स्टेप में हम दोबारा से फिर वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, ऊर्ध्व ऊर्ध्व बनो सीधी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इनको ऐड कर देंगे। तो क्योंकि इसमें भी टू डिजिट हैं, इसमें भी टू डिजिट हैं, तो स्टेप रहेगा 1 2 1। 1 में हम राइट साइड से जो कॉन्स्टेंट टर्म है -1 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सीधी मल्टीप्लाई वर्टिकल, और -4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। 3 1 जा -3, 1 प्लस है 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस है 1 प्लस है, -4 × 3 -12, दोनों नेगेटिव, ऐड कर देंगे साइन माइनस का। 2 2 में हम तिर्यक यानी कि तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वर्टिकल क्रॉस मेथड भी कहते हैं। पहले हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई की इन दोनों की और इन दोनों की, अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, ये 3x है, ये 3 है, तो कितना आएगा 9x, ये x मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। फिर 5x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x, x को बाहर लिख दिया है। फिर 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +9x, +9, ये x बाहर है। 2x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8x, x जो है ब्रैकेट से बाहर है। इनको ऐड करेंगे, 9 + 9 = 18, 18 - 5 = 13, 13 - 8 = 5x। नेक्स्ट स्टेप 1 में जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर्स हैं 3x 5x, इनकी वर्टिकल मल्टीप्लाई 15 3 5 = 15x × x x² 15x² और 3x को 2x = 6x² x स्क्वायर को ब्रैकेट में के बाहर लिख दिया है, 15 + 6 = 21x², तो आंसर आ गया 21x² + 5x - 15। सिमिलरली ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, example 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है, क्योंकि दोनों में 2 2 नंबर्स हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में, 1 2 1। 1 में हम पहले वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की और इन दोनों की, -5 की -6 से मल्टीप्लाई +30, -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3, 1 + 1 - है - करेंगे साइन बड़े नंबर के आगे वाला, 27। 2 2 में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को -6 से -12x, 3x को -5 से करेंगे -15x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1x, 2x को -3 से करेंगे -6x, -12 - 15 - 27, -27 + -6 - 33, -33 + 1 - 32x। अब इस 1 में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x², 2 और 6 8x², आंसर 8x² - 32x + 27। इस क्वेश्चन को हमने राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए किया है, इसको आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई इसकी इससे और यहाँ लिख देंगे, और फिर 1 में लास्ट के राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर है इसकी मल्टीप्लाई -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई +30। तो लेफ्ट से राइट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वैदिक मैथ पार्ट 16। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। फार्मूला वही है जो अभी हमने सीखा था, ऊर्ध्व त्रिक व्यायाम। पिछली वीडियो में पार्ट 15 में हमने टू डिजिट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई की थी। इसमें थ्री नंबर्स हैं, इसमें थ्री टर्म्स हैं, इसमें भी थ्री टर्म्स हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। 3x² - 3x + 4, 2x² - 4x - 3, दोनों में 3 टर्म्स है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में 3 टर्म्स हैं, तो फार्मूला रहेगा 1 2 3 2 1। तो 1 में हम पहले ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 4 - -3 - 12। 2 में हम ये दोनों नंबर लेंगे, ये दोनों नंबर लेके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, -3x - -3 - -9x, और -4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16x और -16x - 7x। 3 में हम तीनों नंबर लेंगे, तीनों एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले के लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले के लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, बीच में दो बचेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 3x² - -3 - 9x², 2x * 4 + 8x², और -3x - 4x + 12x². 12x² और 8x² + 20x² -9x² 11x² 2 में हम लास्ट के 2 ले लेंगे, ये दोनों और ये दोनों, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x² को -4x से -12x³, 2x² को -3x से +4x -6x³, 2 3 6 प्लस माइनस -6x³, दोनों नेगेटिव ऐड कर देंगे, -18x³। 1 लास्ट के 1 डिजिट 3x² और 2x², तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 6x⁴, 3 2 6 x⁴। तो आंसर आ गया 6x⁴ -18x³ प्लस 11x² -7x - 12x। तो इधर हमने मल्टीप्लाई राइट से चलते हुए लेफ्ट की ओर गई, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हुए भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, स्टेप यही रहेंगे 1 2 3 2 1। 1 में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में ये फर्स्ट 2 नंबर्स ले लेंगे और इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे। 3 में ये तीनों नंबर लेंगे, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई और बीच वालों की वर्टिकल मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देंगे सबको, और 2 में लास्ट के 2 लेंगे, -3x + 4 और -4x - 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। और उसके बाद 1 ये लास्ट के जो नंबर्स हैं 4 और -3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -12, और अपना आंसर लिख देंगे। सिमिलरली ऐसे ही एग्जांपल और लेते हैं, 2x² - 3x + 4 को मल्टीप्लाई करनी है -3x² + 2x - 3। अब ये जो प्रोसेस है सॉल्व करने का, जो प्रोसेस है इसको हम लिखकर ना करके हम मेंटली करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। सेकंड स्टेप में ये जो दोनों नंबर्स हैं इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई, -3 - -3 -9x और 4 - 2x + 8x, तो +9x + 8x + 17x। उसके बाद ये थर्ड स्टेप लेंगे, थर्ड में तीनों लेंगे, पहले लास्ट की लास्ट से कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी, 2x² - -3 -6x² -3x² - 4 -12x², फिर ये बीच में दोनों रह जाएंगे, इनकी वर्टिकल मल्टीप्लाई, -3x को -2x से -6x². तो इन ये थे दोनों -12 और ये -6, -12 और -6 -18, -18 और -6 -24x². उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 में हम ये लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2x² - 2x +4x³ -3x² - -3x -9x³, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया +4x³ और ये है -9x³ +9 और +4 +13x³।
और लास्ट स्टेप है वन, वन में हम ये दोनों लेंगे माइनस सिक्स एक्स टू दी पावर फोर, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर आ गया।